तो जैसा कि मैंने कहा था कि साल के एंड में आएगी कोई बढ़िया सी खबर, और साल का एंड आने वाला है और खबर भी आ गई। एक नई ड्रैगन बॉल की मूवी आने वाली है जो कि होगी 20th मूवी, और वो मूवी आएगी दिसंबर 2018 को। तो अभी तक हमें उस मूवी के बारे में जो कुछ भी पता है, मैं आपको इस वीडियो के एंड तक वो सब बता दूंगा, तो देखते रहना और आगे भी ऐसी ही मस्त न्यूज जानते रहना। अगर तुम्हें तो अगर तुम्हारा सब्सक्राइब बटन सुपर सेन रेड बना हुआ है तो उसे लिमिट ब्रेक बना दो, उसे बना दो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो जैसे कि मूवी थी ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स और उसके बाद ड्रैगन बॉल जी रिजरेक्शन एफ, उन दोनों में ही अकीरा टोरियामा का बहुत ही बड़ा योगदान था। ऐसे ही जो अभी आने वाली है मूवी उसमें भी होगा, और क्योंकि मैं हूँ एक पक्का ड्रैगन बॉल फैन, इसलिए जब मुझे ये पता चलता कि अकीरा टोरियामा का हाथ है किसी चीज पे ड्रैगन बॉल रिलेटेड, तो मुझे तसल्ली मिलती है असली, क्योंकि तो मुझे भरोसा होता कि हाँ इस चीज की क्वालिटी होगी एकदम गजब। और अनाउंसमेंट के टाइम ये भी बोला गया है कि वो लोग चाहते हैं कि ये जो मूवी आने वाली है ये हो अब तक की सबसे बेस्ट ड्रैगन बॉल मूवी। मतलब अब तक तुमने जितनी भी देखी जिसमें कि ब्रॉली आया या और भी कमाल के कैरेक्टर्स आए मूवी में, इस मूवी को वो उससे भी बेहतर बनाना चाहते हैं। तो लो ये बात ने तो और भी हाइप बना दी। मतलब मुझसे बस इतना ही कह दो कि ड्रैगन बॉल की मूवी आ रही है, मैं पागल तरीके से भागता हुआ जाऊंगा वो देखने के लिए, कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है मुझे उसके अलावा। बस मुझे इतना ही दुख होगा कि इंडिया में ये रिलीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई प्रॉफिट ही नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को छोटा भीम की मूवी देखना ज्यादा पसंद है। और जब तक हम लोग छोटा भीम को हाकाए नहीं कर देंगे तब तक ड्रैगन बॉल जैसी औसम चीजें यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि काश यहाँ पर थिएटर में रिलीज होती ड्रैगन बॉल की मूवी 3D, 4D, 5D जिसमें भी होना होती, और चाहे टिकट कितनी भी महंगी क्यों ना होती मैं उसे खरीद देता और अपने सभी दोस्तों को लेके जाता और अपने फैमिली को भी, ताकि मैं अकीरा टोरियामा जैसे महान बंदे को सपोर्ट कर सकूं कि उसने इतनी कमाल की चीज जो बनाई है। और इस मूवी के लिए ये भी कहा गया है कि अकीरा टोरियामा बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और इमेजेस भेजी है खुद अपने हाथों से बना के इस मूवी के कैरेक्टर्स के लिए। और इतना कुछ बता दिया, अब ये भी बता देता हूँ कि ये मूवी होगी किस बारे में। अब अभी कोई ट्रेलर वगैरह तो आया नहीं है, बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, पर उतने में हमें ये बताया गया कि इस मूवी का फोकस होगा सेयंस पे। इस मूवी में बात होगी कि इन सेयंस में इतनी ताकत क्यों है, कैसे है, और ये पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर प्रजाति कैसे है। चाहे कितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना आ जाए पूरे यूनिवर्स का, ये लोगों से हरा ही देते हैं क्यों। अब तो बाकी यूनिवर्स से भी भिड़ रहे हैं ये लोग, और फिर भी अच्छी खासी दम दिखा रहे हैं। ऐसा क्या है इन सेयंस में, इस सब का खुलासा हो जाए शायद इस मूवी में। और क्या पता कि जो अकीरा टोरियामा ने भी इंटरव्यू में कुछ जवाब दिए थे यामोसी और वो एस सेल्स वाली बातें, उनके भी बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाए इस मूवी में। मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की अच्छे से बताने की यामोसी के बारे में, जो कि अभी एक ऊपर कार्ड फ्लैश हुआ को वहां पर जाकर आप देख सकते हो, उससे आपकी और भी हाइप बढ़ जाएगी इस मूवी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोग भी मेरे और मेरे इस चैनल के साथ बने रहोगे और जानते रहोगे और देखते रहोगे इन कमाल के सेयंस की बढ़ती ताकत को, और ड्रैगन बॉल की इस कमाल की दुनिया के बारे में और भी जानते रहोगे। वैसे क्या इस मूवी में ब्रॉली देखने को मिलेगा? कैकेरॉट।